वायरस है उसको नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बता दूं, जो वायरस होता है, कोई भी वायरस ले लो, कोई भी वायरस, नॉट ओनली द कोरोना वायरस, नॉट ओनली द एनीथिंग, बट कोई भी वायरस होता है ना, वो या तो ह्यूमंस में या तो एनिमल्स में जा के इन्फेक्ट करता है, मतलब जा के रहता है वहाँ पे और फिर सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ पे रहता है और फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है। वो ऐसे ही मतलब वो ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करता है जब वो बाहर है, उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूँ, जो वायरस और बैक्टीरिया, ये है तो दोनों माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ही, लेकिन जो वायरस रहता है वो सेल के अंदर जाके रहता है, जो बैक्टीरिया रहता है वो सेल के ऊपर रहता है। तो वायरस जो सेल के अंदर जाके रहता है, तो अगर हमें वायरस को मारना है तो हमें पूरे सेल को मारना पड़ेगा। अगर हमें बैक्टीरिया को मारना है तो सेल को डैमेज किए बिना हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं, तो वायरस ज़्यादा डेंजरस होता है। कोरोना वायरस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमंस को न्यू नहीं है, वो पता हमें पता चल गया था कि कोरोना वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है 1960s में ही पता चल गया था। 2002 में जो वायरस आया था उसको सार्स कोव बोला जाता है, दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जो 2019 में आया है वो है सार्स कोव 2। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वायरस होता है, जो हम इसकी बातें कर रहे हैं कि यार ये वायरस इतना डिजीज़ कॉज कर रहा है, क्या है उसके अंदर, तो कुछ भी नहीं होता। वायरस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, दो चीज़ें रहती है, एक न्यूक्लिक एसिड रहता है, एक प्रोटीन कोड रहता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। बस आपको मैं बता दूँ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, या जो कोरोना वायरस है उसमें जो येलो कलर का पार्ट आप देख सकते हो वो न्यूक्लिक एसिड है, वो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा जो है इसके पास स्पाइक प्रोटीन्स है, ये जो है डार्क ब्लू कलर के आप देख सकते हो, ये है स्पाइक प्रोटीन्स। ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। दूसरे प्रोटीन्स जो है ये एनवेलप प्रोटीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे है, उसके बाद है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स जो है ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, सपोज अगर आपने एक वायरस इनहेल कर लिया माउथ से या नोज से, तो फिर वो नेज़ल मेम्ब्रेन के यहाँ पे जाता है, जब वायरस धीरे धीरे अंदर नेज़ल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, वहाँ पे सेल्स जो है, वहाँ पे सेल्स पे ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो अध्यय कर लेता है। उसने एक बार अध्यय कर लिया, मतलब ये स्पाइक प्रोटीन ने सेल को अध्यय कर लिया, मतलब उससे चिपक गया, फिर वो धीरे धीरे वायरस सेल के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो उसको हेल्प करते हैं सेल के अंदर जाने में, एक तो पहले अटैच करते हैं और उसके अंदर घुसाते हैं उसको सेल के अंदर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कोवी, ये स्पाइक प्रोटीन्स मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन वैक्सीन प्रिपरेशन, स्पाइक को लेकर वैक्सीन प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक्शन मैं आप लोगों को बता दूं, जो सार्स कोव 2 है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल्स को। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो जो वायरस रहता है वो सेल के अंदर जाके रहता है, तो हमारे बॉडी पे, हमारा जो बॉडी, हमारे बॉडी के सेल्स है उस पे ऐसे जो लाइट पिंक कलर के आप देख सकते हो ऐसे कुछ दरवाजे होते हैं, ऐसे कुछ दरवाजे होते हैं, ये है ACE2 रिसेप्टर को दरवाजे आप बोल सकते हो इन अ कॉमन लैंग्वेज अगर हमें समझना है तो। जैसे हमारी पूरी बॉडी के पास इंसुलिन, हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स है उसके पास इंसुलिन के लिए दरवाज़ा होता है, तो वैसे ह्यूमन सेल्स के पास ये दरवाजे होते हैं, इससे ये वायरस जो है ये इस पर लग जाता है इस दरवाजे पे और फिर अंदर जाता है, ये अंदर जाता है वायरस, फिर जो इसका अंदर का न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज़ होता है। न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ होके वो हमारे बॉडी का मशीनरी, हमारे बॉडी की चीज़ें यूज़ करके एक वायरस से और ज़्यादा वायरस बनाता है, हमारे सेल के अंदर घुसता है, हमारी मशीनरी यूज़ करता है और अपने वायरस पार्टिकल्स बनाता है। कितना होशियार है ना। सो दिस इज़ द एक्शन, दिस इज़ हाउ वायरस इज़ इन्फेक्टिंग सो मैनी पीपल। वैक्सीन मैंने आपको ये बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा उसका एक्शन है। अब मैं आपको बता दूँ वैक्सीन क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में जैसे दूसरे सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
डाइजेशन सिस्टम हमने पढ़ा है कि जैसे कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। दूसरा एक सिस्टम भी है जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर सपोज़ कोई फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी में, अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस आ गया हमारी बॉडी में, तो फिर हमारे बॉडी ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाती है, इनको एंटीबॉडी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाती है और फिर वो बैक्टीरिया वायरस को मार डालती है। बट ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, इसको बनने में टाइम लगता है, इसको बनने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। मतलब पहले तो वायरस आए या बैक्टीरिया आए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे कि ये कोई बाहर का चीज़, कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल आ गया है, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनना चालू, तो इसको काफ़ी हफ्ता लग जाता है। एक हफ्ता तो आराम से लग जाता है, तब तक सिम्टम्स दिखते हैं हमको। तो वैक्सीन प्रिपरेशन क्या होता है, जब अगर किसी ने कोरोना वायरस को इनहेल कर लिया है, वायरस इनहेल कर लिया है, तो पहले 2-3 दिन, 7-8 दिन तो कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो वायरस एक गया है कि कुछ छोटे अमाउंट में गया है, फिर वो जाएगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे वो पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, हमको कोई सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकग्नाइज करती है कि कुछ तो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आए हैं, और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम चालू करती है। एंटीबॉडीज़ बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 7 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ये एंटीबॉडीज़ बनने में काफ़ी टाइम रखा जाता है। हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको होम क्वारंटाइन का थप्पा लगाया जा रहा है कि वो सबसे अलग रहे अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस पर्सन के अंदर वो वायरस है तो उसको अकेले रहने के लिए बोला जाता है, उसकी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज़ बने, खुद ही एंटीबॉडीज़ बन के वो उस वायरस को मारे और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। एंड वैक्सीन्स प्रिपरेशन जो है, वैक्सीन इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक पार्ट जो प्रोटीन है, सपोज आई शो यू, अभी ये है पूरा वायरस है, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट, जैसे यहाँ स्पाइक प्रोटीन ले लिया या एनवेलप प्रोटीन ले लिया या मेम्ब्रेन प्रोटीन ले लिया, कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेके हम लोग वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि ये अगर हमारी बॉडी में गया, अगर सपोज ये स्पाइक प्रोटीन गया लेकिन ये डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन सिर्फ हमने डाला हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पहचाने कि अरे ये तो वही, अरे ये तो कोई न्यू चीज़ आई है, और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो जब सच में वायरस आएगा तो हमारी बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ रेडी रहेंगी। कुछ कुछ रिसर्चर्स तो होल वायरस को भी यूज़ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे होल वायरस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। होल वायरस को भी यूज़ किया जाता है, पूरे वायरस जो है उसको पहले हम लोग कोई एसिड में, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जो उसका डिजीज़ कॉज करने वाला पार्ट है, वायरस का जो डिजीज़ कॉज करने वाला पार्ट है उसको हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो निकल जाता है, और बाकी जो पार्ट है वो एंटीजेनिसिटी देता है कि हमारी बॉडी को बताता है कि ये कोई न्यू चीज़ आई है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ बना के रखो। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के रखती है, फिर जब वो वायरस सच्ची में हमारी बॉडी में आता है तो फिर हमारे पास एंटीबॉडीज़ रहती होती है, और फिर वो उसको मल्टीप्लाई होने नहीं देता है हमारी बॉडी में। दिस इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म कि वैक्सीन्स कैसे वर्क करती है। मैं आपको बता दूं कि जो ये जो वैक्सीन है इसकी, सार्स कोव टू की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये जो वायरस है ये बहुत फास्ट म्यूटेशन दिखा रहा है। म्यूटेशन दिखा रहा है मतलब कि जब उसका मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसका चेंज होते जा रहा है, मतलब उसका बार बार न्यूक्लिक एसिड वो चेंज कर रहा है, और ये चेंज होने की वजह से उसका प्रोटीन भी चेंज हो रहा है। तो फिर एक चीज़ को पहचान के वैक्सीन बनाना, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, एंड या इट इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो बहुत फास्ट म्यूटेशंस दिखा रहा है। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को बोला था कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है वो क्वारंटीन में रखा गया है 14 दिन 20 दिन, वो रिकवर होके बाहर आ गया, फिर उस इंसान के जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज़, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो वायरस को मार सकती है। उसकी बॉडी में से वो एंटीबॉडीज़ को निकाला जाता है, वो निकालने के बाद जो पेशेंट
वायरस से सफ़र कर रहा है, अभी अभी सफ़र कर रहा है, 5-6 दिन हुए हमें पता चला है, उसको देंगे कि जैसे वो वायरस एंटीबॉडीज उसको वायरस को मार दें, क्योंकि वायरस तो सेम है, सबकी बॉडी में वायरस जो है सेम है। हाँ, लेकिन वो म्यूटेटेड अगर स्ट्रेन गई है उसमें तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये भी एक रिस्क है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी, अभी अभी जो इंसान रिकवर हुआ है उसकी पहले से इम्यूनिटी लो है, उसकी पहले से इम्यूनिटी लो है, अगर कुछ वायरस उसके अंदर बच भी गया है तो फिर वो फिर और उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन अब वो एक रे है कि हम किस कुछ लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। एंड आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और कोई और टॉपिक्स है आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आई विल श्योरली मेक द वीडियोज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।